हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग ने जो सैमसंग गैलेक्सी की लॉक स्क्रीन होती है दोस्तों, उसके लिए वॉलपेपर को अपडेट कर दिया गया है। आप बोल सकते हैं नए वॉलपेपर को रोल आउट कर दिया गया है। क्या है नए, कैसे नए वॉलपेपर है, कैसे आप उसको डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना और चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ नए वॉलपेपर के बारे में जो कि आप अपने लॉक स्क्रीन लगा सकते हैं। आप देखेंगे ये आपको ऐसे दिखने वाले हैं, जितनी बार भी आप अपने मोबाइल में अनलॉक करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पर नए नए वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। और भी वॉलपेपर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर यूँ करूँगा तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर वॉलपेपर दिए हैं। आप अपने हिसाब से उसको और भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है वॉलपेपर की, आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में लगा सकते हैं। तो उसके लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो अनलॉक कर लेना है। यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर लॉक स्क्रीन वाला, आपको उस लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे जाना है। लॉक स्क्रीन पे ऑप्शन जाने के बाद आपको मिलेगा वॉलपेपर सर्विस का ऑप्शन, आप उस पे जाना है। उस पे जाने के बाद आपको मिलेगा डायनामिक लॉक स्क्रीन का ऑप्शन, आपको इस पे सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इन सबको अपडेट कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे भी ये हर दो हफ्ते में नए अपडेट्स होते हैं और वॉलपेपर नए चेंज होते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर आप देखेंगे 5 यहाँ पर लगा रखी हैं कैटेगरीज। आप यहाँ पर मैक्सिमम एक बार में 5 सेट कर सकते हैं और जितनी बार आप अलग अलग करेंगे आपको हर फोटोज पे अलग अलग मिलेगी। अब जैसे कि मैंने ये 5 जो पहले कर रखी थी उन सबको हटा देता हूँ, जो दूसरी हैं वो मैंने यहाँ पर सेट कर दी। ठीक है, अब ये मैंने सबको अपडेट कर लिया, आपको एक एक करके सबको अपडेट कर लेना है। अगर आपके पास पहले से अपडेटेड है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आपको सबको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर वाईफाई सेटिंग से हटा देना है। तो आपके मोबाइल नेट से ये अपडेट हो जाएंगे और ये डाउनलोड हो जाएंगे। तो सबको आपको डाउनलोड करने के बाद ऐसे राइट टिक करके उसको टिक कर देना है। आप देखेंगे सबको ऐसे टिक कर देना है तो ये थोड़ा टाइम लेता है और नीचे आपको डाउनलोड यूजिंग मोबाइल डाटा आता है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ऑटो अपडेट पे भी क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई लेटेस्ट वॉलपेपर आएंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि ये हर दो हफ्ते में अपडेट होते ही रहते हैं ताकि लेटेस्ट नए नए वॉलपेपर्स आपको दिखते रहे। तो ये देख रहे हैं मैंने ये 2 या 5 चेक कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बाहर आ गया हूँ, बाहर आने के बाद मैं लॉक स्क्रीन करूँगा तो आप देखेंगे अब यहाँ पर और भी आपको हर बार अलग अलग मिलने वाले हैं। तो अमेजिंग वॉलपेपर्स अभी जो लेटेस्ट आए हैं मुझे तो बहुत शानदार लग रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट जो वॉलपेपर आए हैं बहुत ही अच्छे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको करना क्या होगा, जैसे लॉक करा, लॉक करने के बाद ऐसे देखेंगे आप यहाँ से स्वैप करेंगे तो ये सारे वॉलपेपर आपको यूं करके भी आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने मस्त मस्त यहाँ पर आपको वॉलपेपर दिख रहे हैं, अमेजिंग आपको सब यहाँ पर दिख रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे से यहाँ पर दिख रहे हैं। आप चाहें यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे से दिख रहे हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स यहाँ पर अभी लेटेस्ट अपडेट होने के बाद आपको मिलेंगे। सभी चेंज हो जाते हैं यहाँ पर अपडेट होने के बाद। आप यहाँ पर अपनी जो कैटेगरीज चाहें तो दूसरी भी चेंज कर सकते हैं। मैंने तो अपने हिसाब से कैटेगरीज आपको बता दी, पर सारी कैटेगरीज में आपको नए नए वॉलपेपर्स मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं हर कैटेगरीज में आपको नए, आपको यहाँ कैटेगरी चेंज करनी हो तो आपको यहाँ पर इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको लाइक ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। लाइक डॉग, कैट, प्लांट्स, फूड्स या डिजर्ट, जो भी आपको चाहिए हो, स्पेशल हटाना है, तो जो भी आपको टिक करना हो अपने हिसाब से टिक कर लीजिए। मैक्सिमम आप 5 वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं 5 कैटेगरीज को वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके वॉलपेपर आपको अपने लॉक स्क्रीन में मिलेंगे जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। तो मैंने मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टिक कर दिया है। टिक करने के बाद आपको करना क्या है, बैक कर देना है। अब फिर आप वॉलपेपर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे फिर ये आपको चेंज होके मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही कमाल के नए वॉलपेपर ऐड ऑन किए गए थे जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। मैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, मेरे चैनल्स को या बोल सकते हैं मेरी वीडियो को देखते तो बहुत सारे लोग हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई लोग ऐसा मत किया करो यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दिया करो ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।